नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। एटा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बीती देर रात कोतवाली नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस को घेराबंदी करते देख पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो शातिर बदमाशों के मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया है, साथ ही चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चार तमंचा, आठ जिंदा और आठ खोखा कारतूस, दो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से जनपद में चोरी की पांच घटनाओं से संबंधित 4,55,400 रुपये भी बरामद किए गए हैं। आज मुखबिर सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाश घायल हुए हैं। तो उनका नाम जुल्फिकार और नौशाद है, जो क्रमशः बागपत और मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। देवरिया जिले के भलुआनी थाना क्षेत्र के नगदा फुलवरिया गांव की भीठा की जो सार्वजनिक जमीन है, उस गाँव पर गाँव के ही पाँच लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप है, जिसको लेकर गांव की सैकड़ों महिला और पुरुष गांव के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले के आला अधिकारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि गांव की सार्वजनिक जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और उस जमीन पर ग्राम सभा के लोगों को सार्वजनिक काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर के तहसील परिसर कर्मचारी महिला प्रसाधन में घुस गए और फ्रेश होकर बाहर निकलते दिखाई दिए। बड़ी चूक इसलिए क्योंकि महिला प्रसाधन में अगर कोई महिला होती तो क्या होता, अगर उन लोगों के प्रसाधन में मौजूद होने के बाद अगर कोई महिला उस पर उसका इस्तेमाल करने प्रसाधन में आ जाती तब क्या होता। वहीं ये सब हुआ तब जब ललितपुर नई तहसील में तहसील दिवस लगा हुआ था। उसी तहसील दिवस में ललितपुर जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ साथ मंडल आयुक्त भी तहसील में मौजूद थे। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में रामलीला मैदान में सब्जी विक्रेताओं को हटा दिया गया है, जिसके बाद से सब्जी विक्रेता नाले पर और रेलवे की खाली पड़ी जगह के पास में फड़ लगाकर सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कई बार सब्जी फड़ विक्रेताओं ने बाजार के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की, पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। आज अचानक रेलवे विभाग के कर्मचारी आरपीएफ के साथ पहुंचे और गरीबों के लकड़ी के खोखे तालाब में गिरा दिए। वहीं फड़ पर सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करने वाले सब्जी विक्रेताओं को हटा दिया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों का रेलवे विभाग के कर्मचारियों से नोकझोंक भी हो गई। बिजनौर के जंगल में दबंगों ने प्रेमी युगल को पकड़ लिया, साथ ही दबंगों ने प्रेमी जोड़ों से उठक बैठक लगवाई। आरोप है कि दबंगों ने प्रेमी प्रेमिका के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दबंगों की तलाशी कर रही है। मामला थाना नजीराबाद गांव का है। थाना नजीराबाद पर जो एक वीडियो वायरल हुआ था, इस संबंध में वादनी की तहरीर के आधार पर छह अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें चार को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें दो बाल अपचारी हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा में रिश्तों को कलंकित करने का एक मामला सामने आया है, जहां सात जन्मों की कसम खाने वाले पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वहीं इस वारदात से ग्रामीण इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं पूरे परिवार में मातम छा गया है। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और हत्या आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल दहला देने वाला ये वारदात जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रिवई गांव की है, जहां रहने वाली 45 वर्षीय कौशल्या के उसके ही पति पप्पू ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि आरोपी पति अपनी पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच घरेलू कलह में
के कारण 15 दिन से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह विवाद हत्या की वजह बन जाएगा। हरदोई में तेज रफ्तार वाहनों में भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस पिकअप डाला सहित कार और छोटा हाथी वाहन से टकरा गई। साथ ही बस ने सड़क किनारे खड़ी सब्जी की गुमटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं गुमटी में बैठी महिला, 2 पोते और 1 पोती सहित घायल हो गई। सभी को CHC कछौना से हरदोई रेफर किया गया है। वहीं बस में सवार एक महिला समेत कार सवार भी जख्मी हो गया। हादसा लखनऊ हरदोई मार्ग पर कछौना कोतवाली क्षेत्र के रैसो गांव में हुआ। वाराणसी में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने संसद मामले में राजनीतिकरण करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष को इससे नुकसान होगा। विपक्ष ऐसे संवेदनशील मामले का हमेशा से ही राजनीतिकरण करते नजर आ रहा है, जिसका उसको नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी हताश, निराश, उदास सेनापति की तरह काम कर रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सभी राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण है। राम मंदिर निर्माण में हमने भी बतौर कार सेवक और राम भक्त के रूप में अपना योगदान दिया है। निश्चित ही ये दिन सभी सनातनियों के लिए गौरवपूर्ण होगा। कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी विपक्ष जो चुनाव में जनता की अदालत में बार बार शिकस्त का सामना करता है, पराजय का सामना करता है, वह इस प्रकार की हरकतें करने का काम जरूर करता है, इससे सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं है कि इस प्रकार की ओछी हरकतों से उनको फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमीरपुर में लगभग 247 मधुशालाएं संचालित हैं, जो नशे के शौकीन व्यक्तियों को शराब मुहैया कराती हैं। उसमें से कुछ अंग्रेजी शराब की दुकान है तो कुछ देशी शराब की दुकानें हैं। आलम यह है कि इन शराब की दुकानों को ठेका मिलने के उपरांत निर्देशित किया गया था कि अपनी शराब की दुकानों में CCTV कैमरे से लैस करें, जिससे कि शराब की दुकानों के आगे कोई शराबी उपद्रव करता है तो उपद्रव करने के उपरांत पकड़ा जा सके। लेकिन जनपद में आलम यह है कि अभी भी तमाम शराब की दुकानों के आगे आए दिन उपद्रव होते रहते हैं और शराबी उपद्रव करके निकल जाते हैं। आबकारी अधिकारी ने बताया है कि इस तरह की दुकानों में जिस दुकान में CCTV कैमरे नहीं होंगे, ऐसी दुकानों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। CCTV को लेकर के पहले से ही प्रावधान किया गया था कि सभी लोग CCTV लगाएंगे, लेकिन कुछ इसमें थोड़ी सी आगामी जो चुनाव वगैरह आ रहे हैं और ये देखते हुए कि कुछ लोग इसमें थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर से एक लोगों को सचेत कर दिया गया है कि लोग अपनी अपनी दुकानों पे DVR और युक्त कैमरा जो है लगाए, कम से कम 2-2 कैमरे लगे हो। यूपी के फतेहपुर जिले के तेलियानी भारत संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्राम सचिवालय में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर पहुंचे विधायक जय कुमार जैकी ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि गांव के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी बीच में गड़बड़ी करते हैं, जिसको ठीक करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। फिलहाल लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी रोड को बनाने में बड़ी गड़बड़ी की गई है, जिसका निरीक्षण वो खुद कर रहे हैं, जहाँ पिछले दिनों उन्होंने देवमई ब्लॉक की रोड की खोज कर भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। उन्होंने कहा कि ये सड़क की गुणवत्ता चेक करने का अभियान उनका लगातार चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में पहुंचे कानपुर मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए रथ यात्रा गांव-गांव चल रही है। भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें देश के हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए।
यहाँ पर मोदी जी की गारंटी की वह न आई है तो यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मुखलाल पाल जी आज के कार्यक्रम में संगठन के दृष्टि से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज संकल्प यात्रा का मूल जो मकसद है कि हम गांव में, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, चाहे आवास के रूप में हो, चाहे गैस के चूल्हे के रूप में हो, और चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के रूप में हो, जो भी हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का धरातल पर समझने के लिए सभी अधिकारी आए। पुलिस अधीक्षक बहराइच प्रशांत वर्मा और उनकी पत्नी द्वारा पुलिस मॉडर्न स्कूल बहराइच में 2.9 करोड़ की लागत से पुलिस आवास निगम द्वारा बनाए जा रहे 1 कंप्यूटर कक्ष और 8 कक्षाओं का शिलान्यास किया गया। मौके पर जेई मोहित कुमार सिंह, आरआई रिजर्व पुलिस लाइन भुवनेश्वर सिंह, प्रधानाचार्य पुलिस मॉडर्न स्कूल निशा सिंह समेत सभी शिक्षकगण मौजूद रहे। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र नगर गुलवाठी के मोहल्ला पीर खां स्थित एक मीनार मस्जिद के पास स्वास्थ्य विभाग से बेखौफ खुलेआम चल रहे बेनाम क्लिनिक के एक झोलाछाप डॉक्टर जहांगीर खां पुत्र द्वारा ग्राम बरमदपुर निवासी एक बीमार 40 वर्षीय महिला को उपचार के दौरान गलत इंजेक्शन दिया गया, जिसके चलते 14 दिसंबर को उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंच झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत पत्र देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। इस गंभीर मामले को लेकर नगर के सक्रिय कोतवाल समर सिंह बहादुर ने कड़ी कार्रवाई कर बताया कि गंभीर मामले की रिपोर्ट दर्ज करके बीमार महिला के उपचार में लापरवाही बरतने पर गई जान के बाद मौके से फरार हुए झोलाछाप डॉक्टर को दबिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आईपीसी धारा 304 के तहत नगर पुलिस द्वारा जेल भेजने का काम किया गया है। गंभीर मामले की विवेचना कस्बा इंचार्ज नीरज त्यागी द्वारा की गई है। जनपदीय स्वास्थ्य विभाग से SCMO सुनील कुमार ने भी मामले का प्रमुख रूप से संज्ञान लेकर बेनाम क्लिनिक पर नोटिस चस्पा कर उसे सील कर दिया। हरदोई जिले में हुए सड़क हादसे में दूल्हे के 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों शाहजहांपुर में संपन्न हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में छोटे भाई की शादी कराकर बाइक से घर लौट रहे थे। दोनों भाइयों की हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र के करावा गांव के आगे अज्ञात वाहन की टक्कर लग गई, जिसके बाद उन्हें CSC पिहाना में मृत घोषित कर दिया गया। मातंग प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी। बीती रात थाना क्षेत्र महिला में बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों का अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई थी, जिनको लोगों द्वारा CSC पिहानी भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर में कूड़े के ढेर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी के लिए भेजा और शव के शिनाख्त के प्रयास किए। करीब 6 घंटे बाद मृतक के शव की शिनाख्त हो सकी। मृतक कानपुर का रहने वाला है। पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच पड़ताल कर रही है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। उन्नाव में हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल उन्नाव पुलिस ने फरार भूमाफिया गिरजा शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया है, जिस पर जमीन कब्जे को लेकर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं आरोपी का मेडिकल कराकर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। काफी दिनों से कटरी में कुछ जमीन कब्जा कर बेचने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दर्ज कई मुकदमे के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं भूमाफिया गिरजा शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अन्य भूमाफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। आरोपी को SP की विशेष टीम ने गंगा घाट से गिरफ्तार किया है।
बिजनौर में पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा समिति ने लोकसभा सांसद बिजनौर मुलक नागर को ज्ञापन देकर कहा है कि आप संसद में ये मांग उठाएं कि उत्तर प्रदेश से यह हिस्सा कटकर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनाया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ होगी और हाईकोर्ट भी मेरठ होगी। अभी यहाँ के लोग कोसों किलोमीटर का सफ़र तय करके इलाहाबाद और लखनऊ जाते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा पैसा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लगाया जाता है। इस क्रम में यह समिति अब तक 4 सांसदों से मिल चुकी है। बिजनौर सांसद मुलक नागर के निवास पर एक प्रेस वार्ता करते हुए अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा कि सांसद मुलक नागर यह आवाज़ संसद में उठाएं। उन्नाव हरदोई पुल के नीचे बनी दुकान में भीषण आग लग गई। पुल के नीचे सब्जी बाजार के पास बनी दुकानों में भीषण आग की सूचना मौजूदा लोगों ने फायर स्टेशन को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला उन्नाव के हरदोई पुल के नीचे सब्जी बाजार का है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोहना थाना क्षेत्र में बाइक स्टंटबाजों से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीएम योगी के सेफ सिटी मनसा को भी ये लोग पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मामला कानपुर के गंगा बैराज का है जहां पर खतरनाक स्टंटबाज और तेज रफ्तार के साथ स्टंटबाज आम लोगों के लिए जान की आफत बने हुए हैं। लोग संडे वाले दिन भी गंगा बैराज रोड पर जाने से डरने लगे हैं। गंगा बैराज कानपुर के लोगों का सबसे पसंदीदा स्थल भी है, लेकिन यहाँ ये स्टंटबाज खतरनाक स्टंट करके लोगों के साथ अपनी जान की भी आफत में डाल रहे हैं। हालांकि कोहना थाना की पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल जो खतरनाक स्टंट करते पाई गई उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।